हाँ ध्यान दीजिए, ये कक्षा 12 गणित आवयु चैप्टर से प्रश्नावली 3A का पार्ट नंबर 1 प्रश्न नंबर 9 है। समीकरण बड़े कोष्टक में A ऋण B 2A+C बड़ा कोष्टक 1 बराबर बड़े कोष्टक में ऋण 1 और 5 2A ऋण B 3C+D बड़ा कोष्टक 1 बराबर बड़े क्वेश्चन में 0 और 13। ये आपका अवयव दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इससे आपको ए बी सी तथा डी का मान ज्ञात करना है। हल करेंगे ए ऋण बी, देख लीजिए दोनों अवयवों के संगत अवयवों की तुलना करने पर ए ऋण बी बराबर ऋण 1, 2A+C बराबर 5, ये आपका समीकरण 1 और ये 2 हो गया। 2A ऋण B = 0 समीकरण 3 हो गया। 3C+D = 13 ये समीकरण 4 हो गया। समीकरण 1 और 2 से A ऋण B = 1 और समीकरण 2 है 2A ऋण B = 0 घटाने पर ये आपका कट जाएगा, चिन्ह बदल जाता है, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ऋण के नीचे प्लस और प्लस नीचे ऋण लिखा जाता है, यह असमान चिन्ह हो गया आपका, ये कट जाएगा, ये असमान चिन्ह है, घट जाएंगे क्योंकि दोनों पर बराबर है इसलिए कट जाएंगे और ये घट करके ऋण ए हो जाएगा और ये आपका ऋण 1 हो जाएगा। ए दोनों ओर से ऋण हट जाएगा, ए बराबर 1। समीकरण 1 में ए बराबर 1 रखने पर 1-B = 1 ऋण बी का पक्षांतर दाहिने साइड कर देंगे और ऋण एक का पक्षांतर बाएं साइड प्लस हो जाएगा, B = 2। ए और बी का मान निकल चुका है। अब हम समीकरण 3 में ए का मान रखने पर समीकरण 3 आपका है 2A+C = 5। ए का मान आपका आया हुआ था 1, 2×1+C = 5 गुणा कर देंगे 2+C = 5, 2 का पक्षांतर बराबर से दाएं साइड कर देंगे, ऋण हो जाएगा, 5 में से 2 घट जाएगा, आपका 3 हो गया। इसी प्रकार सी का मान समीकरण 4 में रख देंगे तो डी का मान निकल जाएगा। समीकरण 4 में सी का मान रखने पर समीकरण 4 आपका है 3C+D = 13। 3×C = 3+D = 13। 3×9+D = 13। 9 का पक्षांतर दाएं साइड कर देंगे, चिन्ह बदल जाएगा, तो 13×9=4। अतः A = 1, B = 2, C = 3 और D = 4। ये आपका उत्तर हो गया। और आपको मैं बता दूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी करें, कमेंट भी लिखें और आल वाली घंटी दबा दें कि जब जब मैं अपनी वीडियो बनाऊं आपके पास तुरंत पहुंच सके। ये हमारे चैनल का नाम है डॉक्टर मुद्रिका सिंह यादव। ये हमारा मोबाइल नंबर है, कोई भी समस्या इससे संबंधित हो तो आप इस नंबर से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। और हमारे यहाँ कक्षा 9, 10, 11, 12 गणित विज्ञान अंग्रेजी विषय पढ़ाई जाती हैं और इस कोचिंग का नाम है माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर,
जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में उल्लापुर थाने से 1 किलोमीटर पूर्व कोटा हनुमान मंदिर के पास स्थापित है। थैंक यू।